Good morning students, welcome to ODSS online classes. I am number 1, I am your previous teacher. Students, today we will continue the chapter number 5 and the name of this chapter is Food We Eat. So tell me, what is the chapter name? Yes, chapter name is Food We Eat. Okay, so my dear students, in our last video we learnt about kinds of foods. हमने last video में kinds of food के बारे में discuss किया था कि there are three main kinds of food. There are three kinds of food. First is energy giving foods, second is bodybuilding food, and third is protective food. But today we will learn about good food habits. आज हम good food habits के बारे में learn करेंगे कि good food habits क्या होते हैं, उनके बारे में सीखेंगे. So first, good food habits means वो habits, वो अच्छी आदतें जो हमें फूड खाते समय फॉलो करनी चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट, वी शुड बी वेरी केयरफुल. हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए अबाउट अवर ईटिंग फूड. में अपनी जो खाने की हैबिट्स है उसके लिए हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए. सो फर्स्ट इज, आपका जो फर्स्ट हैबिट है वो है आपका वी शुड वॉश अवर हैंड्स एंड आफ्टर मील्स. मील्स मीन्स होता है फूड. हमें फूड खाने से पहले और खाने के बाद जो है हमें अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए. अगर हम अपने हैंड्स को वॉश नहीं करते हैं तो हमारे हैंड्स में जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं. एंड सेकेंड इज, वी शुड ऑलवेज ईट कवर्ड फूड. कवर्ड मीन्स होता है ढका हुआ. हमें हमेशा जो है ढका हुआ फूड खाना चाहिए एंड और हमको अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए. जैसे आप जब खाने के लिए जब घर से बाहर जाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत से फूड आइटम्स होते हैं जो कि अनकवर्ड होते हैं. रोड साइड में आपने देखा होगा कि अनकवर्ड फूड होते हैं, तो उन फूड को हमको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस पर जो है इंसेक्ट मीन्स मतलब मक्खी वगैरह उसमें बैठती है, तो वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए. मीन्स हमें वो अनकवर्ड जो फूड्स होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, हमें हमेशा कवर्ड फूड खाना चाहिए. ओके, फिर आपका नेक्स्ट आता है, वी शुड च्यू द फूड वेल. और हमें फूड को अच्छे से चबा के खाना चाहिए. च्यू मीन्स होता है चबाना. एंड वी शुड नेवर वेस्ट फूड. और हमें कभी भी जो है अपने फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन सब फेंकना नहीं चाहिए. हमको जितनी हो हमको उतना ही फूड लेना चाहिए. ओके, और कभी भी हमें फूड को फेंकना नहीं चाहिए. वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. और जंक फूड मीन्स वो फूड्स जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते हैं. तो जंक फूड जैसे आपका हो गया पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन एंड आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, ये सब जो जंक फूड्स होते हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, इनको हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं. सो आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हैबिट्स हैं, जैसे आपके कुछ हैबिट्स और भी हैं जैसे हमें उनको फॉलो करना चाहिए. जैसे वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग. हमें खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए. एंड वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ स्वीट्स. हमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स भी नहीं खानी चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी हैबिट्स हैं, गुड फूड हैबिट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो. तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ जो है हैबिट्स के बारे में बताया है. जैसे आपका फर्स्ट जो है वो है कि वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो है हमें अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज, वी शुड च्यू द फूड. हमें जो है फूड को अच्छे से चबा के खाना चाहिए. एंड और हमें वो फूड खाना चाहिए जो कवर्ड हो, नहीं जो फूड ढका हुआ हो वो फूड हमें खाना चाहिए, हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए. ओके, एंड और हमें जो है जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. हमें जंक फूड को खाने से अवॉइड करना चाहिए. जैसे आपका जंक फूड जो जैसे आपका चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये सब हमको नहीं खाना चाहिए. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये हैबिट्स जो है समझ में आ गए होंगे. तो आपको इन्हें आपको फॉलो करना है. ईटिंग जब आप फूड खाएं तो आपको इन सारी हैबिट्स को फॉलो करना है, ठीक है ना. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये हैबिट्स समझ में आ गए होंगे. तो आप आ गए होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ
थैंक यू।